हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय स्टूडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक पोर्ट्रेट ड्राइंग करके दिखाऊंगा, एक फीमेल फेस का पोर्ट्रेट ड्राइंग एंड पेंटिंग दोनों करके दिखाऊंगा। तो चलिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ्री हैंड एक स्केच बना लूँगा। तो ये है येलो ऑकर कलर, तो इस कलर से मैं स्केच को बनाऊँगा। आज जो पेंटिंग मैं बनाऊँगा वो एक इंडियन वुमन है एंड ये एक टोटली अननोन फेस है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट कलर और ब्रश से स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको कोई भी गलती हो गया तो उनको मिटाने के लिए आपको बहुत ही मतलब झंझट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप चाहे तो पेपर के ऊपर पेंसिल से स्केच बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई भी गलती हो जाएगी ना तो आप इरेजर से उसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि मुझसे गलती बहुत ही कम होगी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये कलर से स्केच बना दिया। अब सवाल आता है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि मैं स्केच बनाऊंगा, कोई भी गलती नहीं होगी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर से। मैंने पहले बहुत ज़्यादा ऐसा स्केच बनाना प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए मेरे को पता है कि मैं अगर अभी स्केच बनाऊँगा ना तो अच्छा ही होगा, मतलब बुरा बहुत ही कम होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही छोटा सा ख़राब होगा, तो वो मैं बाद में ठीक कर दूंगा। तो इसलिए देखिए, मैंने स्केच कर दिया। आप ये देखिए, ये कुछ कलर है जो कि वाइट, पिंक और येलो, ये तीनों कलर मिला के मैं जो स्किन टोन है उसको देखिए मैं बना लूँगा। तो ये देखिए, मैंने स्किन टोन को बना लिया है। अब मैं स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगा जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, लेकिन उससे पहले ब्राउन कलर से जो आँखें है, नाक, लिप्स, इसको मार्क कर लेना होगा। नहीं तो क्या होगा, जब हम स्किन टोन को अप्लाई करेंगे पेंटिंग के ऊपर तो क्या होगा, ये आंखें, नाक, ये सब ढक जाएगा एंड बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाएगी कहाँ पर आंखें था, कहाँ पर नाक था। तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल होती है, तो जिसकी वजह से देखिए मैं ब्राउन कलर से आंखें और आईब्रो, नाक, लिप्स, इसको मैं मार्क कर लिया हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जाके देखिए मैं स्किन टोन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने स्किन टोन बनाया था जो वाइट, पिंक एंड येलो कलर से, उसको देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, जो स्किन टोन है वो मैंने ज़्यादा डीप भी नहीं बनाया और ज़्यादा लाइट भी नहीं बनाया, मतलब मीडियम सा स्किन टोन बनाया है एंड उसको हम अप्लाई करेंगे। और धीरे धीरे जहाँ पर लाइट होगा, मतलब जहाँ पर स्किन टोन बहुत ही लाइट है, जहाँ पर लाइट्स ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पर हम स्किन टोन के साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिला देंगे, वाइट, येलो, जो भी हो, जहाँ पे जैसे चाहिए वैसा मिला देंगे, तो कलर लाइट हो जाएगा। एंड जहाँ पे हमको डीप कलर चाहिए, जहाँ पे शेडो ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस जगह पे हम स्किन कलर के अंदर ब्राउन कलर मिला देंगे, तो स्किन कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैं स्किन टोन को अप्लाई करूँगा लाइट एंड शेडो को ध्यान में रखते हुए, और धीरे धीरे ये जो पूरा फेस है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके पेंट करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे बैठ के पेंटिंग बना रहा हूँ, ये मेरा नया स्टूडियो है जो मैंने रिसेंटली बनाया है, ये मेरा ड्रीम स्टूडियो आप कह सकते हो। तो इस स्टूडियो का एक ब्लॉग मैंने बनाया है, अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके मेरा वो ब्लॉग्स देख सकते हैं। उसके अलावा उस चैनल पर और भी बहुत सारे ब्लॉग्स है जो कि बिहाइंड द सीन, जब मैं कोई भी पेंटिंग बनाता हूँ, कोई भी ड्राइंग बनाता हूँ, तो उसका बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है ये सब मैं शेयर करता हूँ मेरे उस ब्लॉग चैनल पे। तो आप अगर आर्टिस्ट का लाइफस्टाइल जानना चाहते हो कि एक आर्टिस्ट का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो क्या क्या करते हैं, कैसे पेंटिंग करता है, तो सभी कुछ मैं उस ब्लॉग चैनल पर शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप मेरा ब्लॉग चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। मेरा ब्लॉग चैनल का नाम है विश्वनाथ पाल ब्लॉग्स एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो इसलिए ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को बनाता हूँ, और आप भी इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में। Thank you.
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये पेंटिंग बनाना बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी पेंटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।